नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे और फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ग्रीडी का ही एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है और कई जगह मैंने इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते देखे हैं चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या फिर वो गेट या यू you नो know, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी हो तो क्या प्रॉब्लम है क्या अंडरस्टैंडिंग है एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं वन बाय वन तो सबसे पहले मैं वीडियो के चैप्टर्स आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो so, सबसे पहले प्रॉब्लम आखिर है क्या बिकॉज ज्यादातर केस में यू नो प्रॉब्लम ये होती है कि यही नहीं समझ आ रहा प्रॉब्लम है क्या तो आई विल डिस्कस इन वेरी डिटेल ये एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या इसका ग्रीडी का क्या लेना देना है क्या एप्लीकेशन है उसके बाद अगेन जैसा हमारी आदत है बहुत सिंपलिस्टिक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि यार कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसके लिए ग्रीडी अगर हम होंगे तो सही तरीके से विल बी यू नो विल विल बी मैनेजिंग टू जनरेट ऑप्टीमल सोल्यूशन देन मैं कंक्लूजन पर बात करूँगा एंड देन जैसा हमारा रिचुअल है विल विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन सो लेट मी गेव वन बाय वन देखिए प्रॉब्लम क्या है आइडिया है कि हमारे पास एक प्रोसेसर है वी हैव एन नंबर ऑफ़ जॉब जैसे सी पी शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम है ना वही अंडरस्टैंडिंग है तो हमारे पास एन नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं बट यहाँ पर गेम क्या है एवरी प्रॉब्लम और एवरी प्रोसेस टू बी प्रोसाइज यहाँ प्रोसेस ना बोल के जॉब बोल रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं एवरी जॉब इज एसोसिएटेड विद अ डेडलाइन एंड अ प्रॉफिट एक डेडलाइन और एक प्रॉफिट और प्रॉफिट आपको सिर्फ कब मिलेगा प्रॉफिट सिर्फ तब मिलेगा जब आप वो जो काम हो डेडलाइन से पहले फॉर एग्जाम्पल मैं आगे बात करूंगा जैसे लाइक टी वन इज अ टास्क और जॉब वट एवर इट इज इसका प्रॉफिट है हंड्रेड बट डेडलाइन है टू टाइम यूनिट टू तक अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा लाइक अ रियल टाइम सिस्टम वो वाला अंडरस्टैंडिंग है तो ये आइडिया है एक सी पी यू हमारे पास है नॉन प्रिमटिव शेड्यूलिंग है कॉन्टेक्ट स्विच नहीं होगा हर प्रोसेस का रेवल टाइम जीरो है तो स्टेज वन में सारी की सारी प्रोसेस

Number one, और उसका you know, parameter क्या, उसका क्या 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 है, है, है कि जो so जो हर जगह काम कर सके, Because यहां पर हमने किया था ना इन द प्रीवियस वीडियो जहां मैंने बात की थी नैपसेक uh, प्रॉब्लम की प्रॉफिट वहां भी था बट वहां पर वेट था और प्रॉफिट और वेट को डिवाइड करके भी एक दूसरे से ना एक बड़ी मीनिंगफुल सी वैल्यू आ रही थी अब यहाँ पर पहला कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि यार वी शुड बी ग्रीड अबाउट प्रॉफिट फर्स्ट और वी शुड बी ग्रीड अबाउट डेड लाइन क्योंकि प्रॉफिट को डेड लाइन से या डेड लाइन को प्रॉफिट से मैं डिवाइड करूंगा तो कुछ मेरे हाथ में आने वाला नहीं है तो कैसे मैं इसको मैनेज करूँगी ये प्रॉब्लम नंबर वन पहली होती है दूसरा मैं पहले किस पर ध्यान दूँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेड लाइन वन देखते हैं तो डेड लाइन वन पर हमें कौन सा प्रॉफिट मिलेगा डेडलाइन टू देखते हैं कौन सा वैल्यू मिलेगा तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजिंग एरिया है है ना तो कैसे यहाँ पर काम किया जाए फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एफ एम ग्रिडी अबाउट डेडलाइन तो मैं देखूंगा यार मेरा प्रॉफिट क्या ना, 100 है ना हंड्रेड है और हंड्रेड प्रॉफिट है दोनों का डेडलाइन टू है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी रन करने की कोशिश करूंगा तो मान लीजिए जीरो से लेके कर वन तक एंड दैट इज़ टू मैं पहले हंड्रेड रन करूं उसके बाद ट्वेंटी सेवन करूँ क्या करूं बहुत कंफ्यूजन है ना? आप कोई भी अप्रोच चूज करोगे ना बाद में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा कि यार मैंने ये ये वाला करके गलती तो नहीं कर दी लाइक दिस तो यहां पर आइडिया क्या काम करता है मैं आपको समझाता हूँ देखिए ऑब्वियसली जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहां पर एक तरह से प्रॉफिट ही है तो आप हमेशा यू विल बी फर्स्ट ग्रीडी अबाउट द प्रॉफिट सबसे पहले ग्रीडी प्रॉफिट के लिए ग्रीडी आपको जाना है तो यहां पर जितने प्रॉफिट है बताओ सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा सबसे ज्यादा है टी तो टी आपको ले लेना है ठीक है पिक कर लिया इसको मैं शेड्यूल कर रहा हूँ नाउ अब मैं इसका डेडलाइन चेक करता हूँ डेडलाइन है टू एंड नाउ वी विल ऑल्सो भी ग्रीडी अबाउट डेडलाइन बट यहां पर पॉइंट ये है और ये बात समझने में थोड़ा समय लगता है बीइ ग्रीडी अबाउट डेडलाइन डजेंट मीन कि उसको पहले से पहले रन करना है यहां पर द आइडिया विच मेक्स सेंस इज ट्राई टू एग्जीक्यूट इट एज लेट एज पॉसिबल क्या क्योंकि हो सकता है बाद में मैं कुछ और प्रॉफिट भी बना पाऊँ तो कोशिश करिए उसको लेट से लेट एग्जीक्यूट करने के भी ऐसा करेंगे तो सोचो क्या होगा तो यहाँ पर पहले मैंने हंड्रेड लिया डेडलाइन टू है तो मैं उसको जल्दी नहीं करूंगा मैं लेट एग्जीक्यूट करूंगा और ये सौ रुपया मैंने कमा लिया येस yes, अब मैं देखता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है अभी ट्वेंटी सेवन टास्क थ्री के साथ एसोसिएटेड है डेडलाइन है टू देखते हैं पॉसिबल है क्या हाँ है ना टू सेवन तो तो इधर, से इधर से मिलेगा हंड्रेड सो इट विल जंप अप टू वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन सो आई थिंक नाउ यू नो द आइडिया एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं अब मैं दोबारा प्रॉब्लम के पास चलता हूँ मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं और यहाँ पे आ, कौन कौन बच गया टी टू आटी फोर बच गए बस वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए सर इससे नुकसान हुआ नुकसान तो हुआ बट वे वेम मेरा काम था मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इससे ज्यादा पैसा दो डेडलाइन के अंदर मैं वैसे भी नहीं कमा सकता था तो मैंने इसको जैसे भी रन किया बट आई गारंटी यू आर मैक्मम प्रॉफिट तो अगेन यू हैव सम जॉब्स एवरी जॉब इज एसोसिएटेड विद अ डेड लाइन ऑन अ प्रॉफिट नॉन प्रमेटिव शेड्यूलिंग है अराइवल टाइम सबका जीरो है बस टाइम सबका वन है आपको कोशिश करना मैक्सिमम प्रॉफिट लेके आने का तो अगेन अभी एक टास्क पूरा हमारे पास है अगर कोशिश करें अब मुझे बताओ क्या अप्रोच होना चाहिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो so, सबसे पहले देखो मैक्सिम मैक्सिमम मैक्सिम आई थिंक इज़ द मैक्सिमम क्या सीखा अपन ने एज अर्ली और एज लेट एज पॉसिबल वीडियो पॉज करो खुद करके देखो तो मजा आएगा एज लेट एज पॉसिबल सर डेडलाइन थ्री है सो आई कैन एग्जीक्यूट दिस लाइक हियर एज लेट एज पॉसिबल ये एक थर्टी मैं थर्टी फाइव मैंने कमा लिया फिर देखो कौन 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 दे यू सी थ्री जीरो थर्टी एज अर्ली एज पॉसिबल एज लेट एज पॉसिबल कोई स्लॉट है हाँ है सर अभी थ्री से फोर वाला एक स्लॉट है पहले भी करा सकता हूँ बट बींग ग्रीडी मीन्स एज लेट एज पॉसिबल देर यू हैव टी टू फिर देखो अब मैक्मम वैल्यू क्या है दे यू सी ट्वेंटी फाइव एज अर्ली और एज लेट एज लेट एज पॉसिबल कोई स्लॉट है हाँ है वन से टू के बीच में कर देता हूँ सो दे यू हैव टी थ्री ना दिस इज़ डन एंड फाइनली हाँ uh, इसका डेडलाइन है टू पॉसिबल है क्या हाँ पॉसिबल है मेरे पास एक स्लॉट खाली है ट्वेंटी uh, का प्रॉफिट मेरे को मिलेगा सो लेट मी हैव टू फोर ये तीन प्रोसेस रन नहीं हो पाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर बस जरूरत नहीं थी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस का काइंड ऑफ मुझे सब्सिडी लेना था और इंश्योर करना था मैक्सिमम प्रॉफिट सो माई प्रॉफिट विल बी थर्टी प्लस थर्टी फाइव विल बी सिक्सटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव इट इज़ नाइनटी एंड प्लस ट्वेंटी इट इज़ वन हंड्रेड टेन चार डेडलाइन तक इस ज़्यादा प्रॉफिट आप इंश्योर वैसे भी नहीं कर सकते और बाकी डेडलाइन ऑलरेडी जा चुकी है सो वट इज़ द कंक्लूजन ये छोटा सा मैंने प्रोटोकॉल और वट शुड आई से नॉट प्रोटोकॉल एक सूडो कोडी एलगो को लिखने की कोशिश की है स्टेज नंबर वन आपको प्रॉफिट के लिए भी यू नो ग्रीडी होना है डेडलाइन के लिए भी बट यहां पे प्रायरटी नंबर वन प्रॉफिट है तो पहले प्रॉफिट के हिसाब से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे स्टेज नंबर वन स्टेप नंबर टू उसके बाद आप जाएंगे और चेक करेंगे कि डेडलाइन जो भी है फॉर एग्जांपल अगर वो कह रहा है कि मेरा डेडलाइन फॉर एग्जांपल एक्स है एक्स तक कोई भी स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं और अगर है तो विल ट्राई टू एग्जीक्यूट एज लेट एज पॉसिबल दिस इज़ द आइडिया अगर अवेलेबल नहीं है इग्नोर करेंगे अगले पे चले जाएंगे दिस इज द आइडिया सो यू सॉर्ट देम नाउ इटरेट क्या करना है फाइंड अ स्लॉट आई सच दैट जो ये स्लॉट एम्प्टी हो और और जो आई है डेडलाइन से कम हो है ना अगर ऐसा है और आई जो है वो ग्रेटर हो ऑब्वियसली फिलहाल जितनी वैल्यू सब में ग्रेटेस्ट हो जितने भी पॉसिबल ऑप्शन है तो अगर ऐसा है तो स्लॉट फिल करेंगे अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा कोई आई एग्जिस्ट नहीं करता उसको इग्नोर करके आगे निकल जाएंगे सो so ये पूरी कहानी है सर जॉब uh, सिक्वेंसिंग की मेरे ख्याल से बहुत बेसिक क्वेश्चन है या आइडिया है आपको बात समझ आई होगी एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन सो देर यू हैव ओ माई गॉड ये होमवर्क क्वेश्चन क्या हुआ ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया कोई बात नहीं लेट मी डू वन थिंग यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन दिस इज गेट 2005 थाउजेंड फाइव और टू मार्क क्वेश्चन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आप इसे होमवर्क में सॉल्व करके मुझे बता सकते हो उसने पूछा है वो कौन कौन से टास्क हैं दो चीज़ आपको बतानी है पहला तो छोड़ो आप ये मत बताओ आप बस ये बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया बात खत्म हो गई सो so, ये सब टास्क हैं है ना इस तरह से थोड़ा सा मिसमैच हो रखा है वैसे आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर पाओगे देर आर नाइन टास्क एंड यू टेल मी व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट इसी अप्रोच को यूज़ करके सॉल्व करना है यस yes, uh, वीडियो को लाइक जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए उस हमारा काम उसी से चलता है सर और सारे लेटेस्ट वीडियोस कंसेप्ट वाले जॉब अपडेट्स सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा तो कुछ भी मिस ना हो बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा भगवान आप सभी को खुश रखे जय हिंद जय भारत